नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उज्जैन में लॉकडाउन में युवक की पीट पीट कर हत्या। उमरेड में मिले 8 संक्रमित। नरखेड में तेज आंधी के साथ बारिश। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। उज्जैन में लॉकडाउन में युवक की पीट पीट कर हत्या। मवेशी पालन को लेकर दो पक्षों में हुआ झगड़ा। बातचीत करने के लिए घर बुलाकर कर दिया हमला। शहर के लवकुश नगर में मवेशी पालन को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने लाठियों से पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी। आरोपियों ने बातचीत करने के बहाने उसे घर पर बुलाया। यहां पहले से ही लाठियां लेकर बैठे 5 लोग उस पर टूट पड़े। मरणासन्न होने के बाद भी आरोपी लाठियां बरसाते रहे। इसके बाद घायल को सड़क पर फेंक दिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। वहां मौजूद किसी शख्स ने पिटाई का वीडियो भी बना लिया। एडिशनल एमपी अमरेंद्र सिन्हा ने बताया कि संत बलिनाथ नगर निवासी गोविंद पिता राकेश लकवार की लवकुश नगर में रहने वाले लाला भाट, विशाल भाट, सागर भाट और उनके साथियों ने शुक्रवार को मारपीट की थी। घायल अवस्था में गोविंद को जिला चिकित्सालय में फिर जेके नर्सिंग होम में कराया गया, जहां हालत बिगड़ने के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया। रविवार सुबह उसकी मौत हो गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो वही दूसरी ओर उमरेड में मिले 8 संक्रमित। उमरेड शहर तथा ग्रामीण में शनिवार को किए गए कोरोना जांच में केवल 8 संक्रमित मरीज पाए गए। इसमें उमरेड शहर के 2 तथा ग्रामीण में 6 नए मरीजों का समावेश है। उमरेड में एक्टिव मरीजों की संख्या आज 198 पाई गई। इसमें उमरेड शहर के 21 तथा ग्रामीण के 177 मरीजों का समावेश है। उमरेड में कोरोना पर मात करने वाले मरीजों की संख्या आज तक 6712 हो गई है। इसमें उमरेड शहर के 3481 तथा ग्रामीण के 3231 मरीजों का समावेश है। उमरेड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 137 हो गई है। इसमें उमरेड शहर के 83 तथा ग्रामीण के 54 मरीजों का समावेश है। उमरेड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7047 हो गई है। इसमें से उमरेड शहर के 3585 तथा ग्रामीण के 3462 संक्रमितों की संख्या हो गई है। उमरेड शहर तथा ग्रामीण में कोरोना के नए मरीज तथा एक्टिव मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। उमरेड शहर तथा ग्रामीण में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। उमरेड शहर तथा ग्रामीण में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी अब स्थिर है। तो वही तीसरे और नरखेड में तेज आंधी के साथ बारिश। पेड़ हुए धराशायी, बिजली भी रही गुल। वातावरण में गत कुछ दिनों से मौसम में काफी गर्मी बढ़ गई थी। शनिवार को दोपहर के समय मौसम काफी गर्म था। ऐसे में दोपहर करीब 3 बजे के आसपास तेज हवाओं के साथ अचानक के साथ साथ हवाएं भी तेजी से बढ़ने लगी। हवा का जोर इतना था कि बड़े बड़े पेड़ जमीन पर उखड़ कर नीचे रास्ते में गिर पड़े, जिससे मार्ग की यातायात बाधित रही। तेज हवा के कारण मार्केट परिसर की दुकानों में लगी बोर्ड और शेड का काफी नुकसान हुआ। नरखेड पुलिस स्टेशन परिसर में कुछ पेड़ गिरने से बिजली के तार टूट गए, बिजली के खंभे भी झुक गए और लोगों को रास्तों पर आने जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्र की बिजली भी काफी समय तक बंद रही। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।